हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो लेकर आया हूँ मैं, वो इंस्टाग्राम के ऊपर है। इंस्टाग्राम में जो भी हम आईडी डालते हैं या पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड डालने के बाद भूल जाते हैं, तो उसी के ऊपर वीडियो है। जनरली होता क्या है दोस्तों कि हम प्ले स्टोर से जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें आईडी लगता है और पासवर्ड लगता है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन कर लेते हैं और पासवर्ड को हम भूल जाते हैं। ये अच्छा, 8 लोग अपना पासवर्ड भूल ही जाते हैं एप्लीकेशन का, 2 ही लोगों को याद रहता है। तो मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूँ इसी के ऊपर लेकर आया हूँ कि आप अगर कोई सा भी एप्लीकेशन का आईडी पासवर्ड डाले हैं और भूल गए हैं तो मिनटों में कैसे पता करेंगे अपने एप्लीकेशन का पासवर्ड। ठीक है, मोबाइल को जब हम देते हैं बनाने के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए तो उसमें सब हमारा डेटा उड़ जाता है और फिर हमें उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होता है, परेशानी होती है। तो आपको मोबाइल सॉल्यूशन के आरबी के रहते हुए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात। फिर बताता हूँ मैं आपको बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम मेरा ओपन कर लिए, फिर यहाँ से देखिए नीचे में आएंगे तो इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको आईडी दिख रहा होगा, आलमगीर 2467 मेरा आईडी है। यहाँ पे देखिए ऊपर में आईडी दिख गया दोस्तों, लेकिन पासवर्ड नहीं दिखा। पासवर्ड देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऊपर में जो यहाँ पे स्लैश बना हुआ है, तीन स्लैश बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। आपके ये मोबाइल में बहुत काम का चीज़ बता रहा हूँ, तो आपको कभी भी कुछ भी परेशानी होगी ना एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, पासवर्ड के रिगार्डिंग, तो आप इससे देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद चेक सिक्योरिटी चेकअप में जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक ईमेल का ऑप्शन है, ईमेल वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे देखिए मेरा ईमेल आईडी डाला हुआ है। ईमेल से आप अपने इंस्टाग्राम को वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, सीधा बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इन्फॉर्मेशन में, सेव इन्फॉर्मेशन में जाना है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है दोस्तों सेव लॉगिन, सेव लॉगिन को आपको ये जो देखिए ऑन है ना, इसको ऑन ही रखना है। अगर ये ऑफ रहेगा तो इससे क्या होगा कि आप इंस्टाग्राम को लॉग आउट करेंगे तो आपका वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन तो देगा बट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं देगा। अगर इसको ऑन कर दीजिएगा तो आप जैसे ही लॉग आउट करिएगा, लॉगिन करने के लिए फिर कोशिश करेंगे तो वहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन दे देगा, और इस लॉग आउट कर दीजिएगा तो भी बिंदास रहिए क्योंकि आपका पासवर्ड जो है अब यहाँ पे सेव हो चुका है। तो इसको ऑन ही रखना है आपको किसी भी हाल में। तो चलिए पहले इसके करने के बाद हम लोग सबसे नीचे आ जाएंगे और लॉग आउट पर जाएंगे, लॉग आउट कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लॉग आउट हो चुका है, रिमूव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको पासवर्ड पता नहीं, हम पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड हम क्या डालेंगे, पासवर्ड हमको याद नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है गेट इन हेल्प लॉग इन इन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देख लेते हैं, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया है, दो ऑप्शन दिया है, सेंड एन ईमेल और सेंड एन एसएमएस। तो हम लोग वहाँ पे देखे थे अभी अपना, हम लोग सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि आपका यूजर नेम क्या था। यूजर नेम आलमगीर है यहाँ पे, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद सेंड ईमेल पे हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ईमेल बता दिया कि क्या ईमेल है, इस ईमेल पे जा रहा है एक मैसेज। तो यहाँ पे आप देखिए एम से मेरा स्टार्ट है और एस लास्ट में है, तो हमको पता चल गया कि हम अपना जो इंस्टाग्राम जो था वो मोबाइल नंबर से लॉगिन किए हैं या फिर ईमेल आईडी से लॉगिन किए, हमको पता चल गया। अब ओके करेंगे, तो हम लोग ओके करने के बाद बैक आ जाएंगे। लोडिंग हो रहा है, बैक आ गए। अब हम लोग को चले जाना है मेल में, ऊपर देखिए एक मेल आ गया होगा, ये मेल रहा। तो यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे लॉग इन इन एज आलमगीर अंसारी एक ऑप्शन है, एक रीसेट योर पासवर्ड का ऑप्शन है। तो हम लोग रीसेट योर पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, चले जाएंगे इंस्टाग्राम में। अब हमको देखिए पासवर्ड तो हमको मालूम नहीं था, अब तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, तो हमको पासवर्ड रिकवर करने का ऑप्शन दे रहा था। हम लोग पासवर्ड क्या है अभी बना लेते हैं।
पासवर्ड बना लेते हैं दोस्तों, देखिए। और यहाँ पे भी सेम पासवर्ड डालेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम लॉगिन हो चुका है, हमको पासवर्ड नहीं याद था, अब हम लोग ने पासवर्ड बना लिया है नया। पासवर्ड आपको हमको हम लोग को याद हो गया पासवर्ड क्या डाले थे, लॉग आउट हो चुका था तो अब लॉगिन भी हो चुका है। सिंपली से एक दूसरा ट्रिक और है, उसमें भी आप अपने लॉगिन जो किए हैं उसका आईडी और पासवर्ड दोनों जान सकते हैं। उसके लिए मैं बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको चले जाना है आपके ईमेल में, ईमेल में चले जाइए या फिर गूगल में भी जाके देख सकते हैं, ईमेल में चले जाइए। फिर आपको देख लेना है कि मैं इंस्टाग्राम या कोई भी एप्लीकेशन किस मेल आईडी से लॉगिन किया हूँ। वो मेल आईडी पे आप मेल आईडी को आप ओपन करेंगे तो मैं ये मेल आईडी से ओपन किया था। तो अभी क्या है ना कि मैं मेल आईडी नया बनाया हूँ और इंस्टाग्राम जो है आपको दिखाने के लिए भी नया बनाया हूँ, इसमें शो नहीं करेगा। तो मैं अपने पुराने मेल आईडी से आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये मेरा बहुत पुराना मेल आईडी, इसको हम लोग लॉगिन कर लिए। इसके बाद फिर से हम लोग इसको क्लिक करेंगे, गूगल अकाउंट को क्लिक करेंगे। देखिए मेल आईडी है, इसके बाद गूगल अकाउंट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे चले जाएंगे हम लोग सिक्योरिटी में, यहाँ चले जाएंगे दोस्तों। फिर सबसे नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ पे देखिए लिखा है पासवर्ड मैनेजर। यहाँ पे देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है यू हैव 14 पासवर्ड सेव इन योर गूगल अकाउंट। हमारे जो गूगल अकाउंट है ये वाला, इसमें 14 पासवर्ड हम लोग ने इस पर सेव करके रखा हुआ है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बता दिया इतना सारा। देखिए ये मेरा पुराना इंस्टाग्राम है, इसको हम लोग लॉगिन करेंगे। यहाँ पे देखिए ये पासवर्ड दिखा दिया, सेव है। अभी जो नया बनाया हूँ उसको मैं सेव नहीं किया, ऑटो फिल नहीं किया हूँ। ऑटो फिल के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग तो वहाँ ऑटो फिल ऑन कर दिए थे। इसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे इस पर, फिर यहाँ पर जाएंगे चेक पासवर्ड करेंगे तो पासवर्ड क्या है वो बता देगा। यहाँ देखिए प्लस का जो चिन्ह बना हुआ है, प्लस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट एप्लीकेशन करेंगे, लोड हो रहा है एप्लीकेशन। अब इसमें से जो भी एप्लीकेशन हम प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हैं वो यहाँ आ गया। और मान लीजिए हमको कोई एप्लीकेशन का इसमें ऐड करना है तो ये देखिए, मान लीजिए ट्विटर है मेरा, ट्विटर को हम लोग सेलेक्ट किए। ट्विटर का जो यहाँ पर यूजर आई डी है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पासवर्ड को आपको फिल करना पड़ेगा, इसके बाद सेव करेंगे तो परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए आपके इस मेल आईडी में आपका ट्विटर का आईडी और पासवर्ड दोनों सेव हो जाएगा। और सिंपली देखने के लिए जो अभी मैं ट्रिक बताया हूँ वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा ट्रिक ये है, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर गूगल में जाएंगे, ऑटो फिल में जाएंगे, ऑटो फिल विद गूगल में जाएंगे। यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ है पासवर्ड, पासवर्ड में क्लिक करके यहाँ पे देखिए ये दूसरा मेल आईडी से लॉगिन हो गया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे सेटिंग में, पासवर्ड को हटाने के लिए गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे तो ये आ गया। फिर पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों दिख गया सारा पासवर्ड, जो भी आप लॉगिन किए थे उसका पासवर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे जो पासवर्ड लगाए रहेंगे उसी पासवर्ड को ये लेगा। तो पासवर्ड को आपको फिंगरप्रिंट लगा के या पासवर्ड लगा के आपको सिंपली इसको खोल लेना है। इसके बाद यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने क्या पासवर्ड डाला हुआ था। ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे पासवर्ड दिख जाएगा, फिर इसको क्लिक कर दीजिएगा तो वो हाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आपको एक सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है, मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।